हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो मेरी तरफ़ से आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। तो कैसे हैं आप सब? और ये देखिए, हमारे यहाँ तो मौसम काफ़ी ठंड है, बहुत ही ठंड है। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है। दोपहर हो गया है, लेकिन आज सुबह से ही पूरा ही कुहासा है और अभी तक कुहासा ही है। देखिए, दोपहर हो गया लेकिन अभी तक देखिए धूप नहीं निकला है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब धूप नहीं होगा, अब शाम हो जाएगा लेकिन धूप नहीं होगा। और ठंड काफ़ी है, काफ़ी ही ठंड है। 2 दिन से बहुत ठंड पड़ रहा है। पानी सबसे ज़्यादा तो पानी छूना मुश्किल हो गया है। पानी हाथ लगाते ही एकदम पानी हाथ लगता है जम जाएगा पूरा ही। और बहुत हवा है, आज तो बाहर निकलना ही बंद है एकदम पूरा से। बहुत ही अभी थोड़ा सा साफ़ हुआ है मौसम, थोड़ा सा भी साफ जैसा हुआ है, लेकिन सुबह से तो एकदम ही मौसम एकदम ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि 11-12 बजे लग रहा था कि जैसे 6 बज रहा है। जैसे जब छत में गए तो लगा कि बारिश हो रहा था, बारिश नहीं हो रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रहा है। तो अभी तो नाश्ता पानी सब हो गया है, अब सभी लोग ऑफिस स्कूल सभी लोग गए हैं और घर में तभी अकेले हैं। सभी लोग शाम में आएंगे। और आज कुछ दोपहर में कुछ बनाए नहीं खाना, इतना ठंडी था कि सुबह में नाश्ता ही बना के और लंच करके, लंच पैक करके बस छोड़ दिए। कुछ करने का मन नहीं किया, कुछ हिम्मत ही नहीं हुआ कि कुछ करें। और अभी जाएंगे, अब किचन में जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना लेंगे, इसलिए कि दोपहर हो गया है तो थोड़ा सा तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं किचन में। और ये देखिए हम किचन में क्या बना रहे हैं। चूड़ा बनाएंगे, चूड़ा फ्राई करेंगे। बस वही हल्का सा नाश्ता बनाएंगे। उतना रोटी सब्जी या दाल चावल मन नहीं कर रहा है खाने का, बस थोड़ा सा हल्का कुछ मन कर रहा है तो चूड़ा फ्राई करेंगे। तो देखिए कैसे, आप लोग देखिए कैसे हम फ्राई कर रहे हैं। एक ही साथ फ्राई करेंगे, चूड़ा मटर दोनों एक ही साथ, चूड़ा में ही मटर डाल के फ्राई करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से देखिए इसको। तो ये देखिए कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं और उसके बाद मिर्च डालेंगे। ये देखिए, और उसके लिए मिर्च मिर्च डालेंगे और उसमें फिर ये देखिए प्याज डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। इसमें ये डाल देंगे सूखा चूड़ा, सूखा चूड़ा डालेंगे, सूखा सूखा चूड़ा डाल देंगे। ये पोहा नहीं है, पोहा तो गीला होके बनाया जाता है, पर ये फ्राई है, चूड़ा का फ्राई है। और ये देखिए इस तरह से डाल दिए। पूरा तेज ताव पे, तेज फ्लेम पे इसको भूनना है। देखिए इसमें नमक डाल देते हैं, अभी नमक ही डाल नमक डाल देंगे। देखिए नमक डाल देते हैं। कैसे बन रहा है, इसमें ही अब डाल देंगे मटर, इसमें ही मटर डाल देंगे। आप
लोग इस तरह से बना के देखिएगा, अगर बनाते हैं सबसे अच्छा बात है मालूम ही है, लेकिन अगर नहीं बनाए तो कोई बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। हल्का सा नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो इसमें प्याज और मिर्च डाले हैं और नमक डाले हैं, मटर छीमी है, इसको हल्के भूज लेना है, तुरंत तैयार हो जाता है। तुरंत ये चूड़ा भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस चूड़ा भूजेगा बस ये रेडी हो जाएगा। लगातार चलाने से ठीक रहता है, बढ़िया से भुजा जाता है। और ये गरम गरम ही खाने का है, इसको आप डब्बा में रख नहीं रख पाएंगे, इसलिए कि ये मटर इसमें मिक्स है ना, तो चूड़ा में आ जाएगा। तो इसको आप गरम गरम जब नाश्ता करने का जब समय हो तो आप इसको बना के इस तरह से नाश्ता कर सकते हैं, और ये टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार बनाने से ऐसा लगेगा कि बार बार बनाए, इस तरह का नाश्ता ही लगेगा। ऐसा है ना कि चूड़ा के चूड़ा फ्राई होते होते ना मटर भी सीख जाता है, ऐसा नहीं है कि मटर नहीं सीखता है, मटर भी बहुत अच्छे तरह से, जब जितना देर में ये चूड़ा फ्राई होगा ना उतना देर में मटर भी अच्छे से सीख जाता है, बहुत अच्छे से सीख जाता है। इस मटर को क्या, मटर को तो कच्चा भी खाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कच्चा रहता है, इसमें सिझ जाता है बढ़िया से, और ये कितना ही खूबसूरत हो गया देखिए। और हम अब गैस बंद कर देंगे, अब गैस को बंद कर दिए और देखिए ये हो गया बन के तैयार, हो गया ये फ्राई हो गया, फ्राई हो गया तो इस तरह से। ये फ्राई हो गया, और इस तरह से आप इसको प्लेट में निकाल सकते हैं और चम्मच से खा सकते हैं। तो आप देखे होंगे किस तरह से इसको हम बनाएं, किस तरह से भूजे, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। 5 मिनट, थोड़ा सा चूड़ा है तो 5 मिनट लगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये हल्का फुल्का नाश्ता अभी मटर के सीजन के लिए में बहुत ही अच्छा लगता है, आप बना के आप इसका नाश्ता कर सकते हैं शाम के समय में, तो ठीक रहता है बनाना। और ये देखिए इसको प्लेट में निकाल लिए हैं, प्लेट में निकालने पर इस तरह से दिखता है, देखिए अच्छा लगता है देखने से और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप लोग बनाएं खाएं, ठीक है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।